हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इकोसिस्टम। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम किसे कहते हैं, क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट मेकअप एन इकोसिस्टम। गाइज, इकोसिस्टम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्वायरमेंट के बीच का रिलेशनशिप होता है। तो असल में इकोसिस्टम जो है वो एक पूरा सिस्टम है, एक इन्वायरमेंट है जो बनता है लिविंग और नॉन लिविंग के रिलेशनशिप से। तो लिविंग और नॉन लिविंग के रिलेशनशिप को ही हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, अपने इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी भी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कोई घर में रहते हैं। यदि बात करें फिशेज की तो फिशेज अंडर वाटर रहते हैं। यदि बात करें गॉड की, बफेलो की, तो वो ज़मीन पे रहते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहते हैं। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट क्या है, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट होते हैं। तो बेसिकली जो है वो इकोसिस्टम लिविंग के नॉन लिविंग के साथ, इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप है। लिविंग के नॉन लिविंग के साथ, लिविंग के नॉन लिविंग के साथ, इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है वही हो गया इकोसिस्टम, दैट इज़ नोन एज इकोसिस्टम। तो गाइज, आई होप ये सिंपल सा डेफिनेशन आप लोगों को पसंद आया, अच्छा लगा हो। अब बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो फैक्टर हैं। इकोसिस्टम के कितने फैक्टर हैं? दो फैक्टर हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक जो है, बायोटिक फैक्टर हम लिविंग थिंग्स को कहते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब क्या हो गए, बायोटिक फैक्टर। एंड जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो हो गए अबायोटिक फैक्टर। एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब क्या हो गए, बायोटिक फैक्टर हो गए। और नॉन लिविंग थिंग्स, चलिए नॉन लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल देखते हैं। वाटर हो गए, सॉइल हो गए, एयर हो गए, सनलाइट हो गए एंड विंड हो गए, ये सारे क्या हैं, अबायोटिक फैक्टर्स हैं। तो गाइज, लिविंग थिंग्स जो है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या करता है, रिलेट करता है। तो इसी दोनों के बीच के रिलेशन को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। लिविंग थिंग्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स पे। तो यदि बात करें, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स पे। यदि बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, सॉइल चाहिए, एयर चाहिए, सनलाइट चाहिए एंड विंड चाहिए। और यदि बात करें एनिमल्स की, तो नॉन लिविंग थिंग्स और बायोटिक फैक्टर जो है वो एनिमल्स पे बहुत इफ़ेक्ट करता है, बहुत इफ़ेक्ट डालता है एनिमल्स पे। अबायोटिक फैक्टर बहुत ही इफ़ेक्ट डालता है, जैसे टेम्परेचर, हीट। और लिविंग थिंग्स में ह्यूमन भी आ गए, तो ह्यूमन को भी क्या चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए ब्रीथिंग के लिए, सनलाइट चाहिए, विंड चाहिए, ये सारे रिक्वायरमेंट्स लिविंग थिंग्स को चाहिए। यदि आप लोगों को इकोसिस्टम, उनके फैक्टर्स क्लियर हो गए होंगे, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक यू एंड बाय बाय।